हेलो फ्रेंड, छोले खाना सभी को पसंद है और छोले बहुत तरीक़ों से बनाते हैं और ये छोले हमने बिना टमाटर के बनाए हैं। बहुत ही टेस्टी से चटपटे से छोले बनकर तैयार हुए हैं। इसके साथ स्पेशल मसाला भी बनाएंगे। रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आने वाली है। उससे पहले मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने ये 1.5 कप छोले लिए हैं जिसे रात भर भिगो कर रख दिया था। आप इसे 10 घंटे तक भी भिगो कर रख सकते हैं। उसके बाद पानी निकाल कर छोलों को कुकर में डाल देंगे। अब कुकर में हम 1.5 कप पानी डालेंगे। ये 1.5 कप पानी डाल दिया है हमने। अब इसमें हम एक आलू लेंगे, उसको छील कर इस तरीके से 4 पीसेस करके हम आलू डाल देंगे। उसके बाद इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे और इसकी कुकर की लीड लगाकर इसको 8 से 10 सीटियां लगानी है। उसके बाद स्पेशल मसाला बनाएंगे। उसके लिए कढ़ाई गर्म करने के लिए चढ़ाएंगे। उसमें 1 चम्मच धनिया डालेंगे, खड़ा धनिया, 1 चम्मच जीरा डालना है, 1 चम्मच सौंफ डालनी है और उसके बाद इसमें 8 से 10 कड़ी पत्ते और 2 बड़ी इलायची डालेंगे। इसको ड्राई रोस्ट करेंगे लो मीडियम फ्लेम पर। अच्छी सी खुशबू आने लगेगी फ्रेंड। उसके बाद इसमें बंद करके हम कसूरी मेथी डालेंगे। आप चाहे तो 2 कड़ी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। उसके बाद मिक्सर जार में डाल देंगे और उसके बाद इसमें 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालकर इसका अच्छा पाउडर तैयार कर लेना है। देखिए हमारा मसाला तैयार है। थोड़ा खड़ा ही रहना चाहिए ये मसाला। अब इसके बाद हम इसी मिक्सर जार में ये हमने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उन्हें बड़े काट लिए हैं और 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ये डालकर, थोड़ा सा पानी डालकर इसका फाइन पेस्ट तैयार कर। बिना टमाटर की हमारी सब्जी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। उसके बाद कढ़ाई गर्म करने के लिए चढ़ाएंगे। उसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालना है। अब इसमें गरम मसाले खड़े डालेंगे। उसके लिए मैंने ये 8 से 10 काली मिर्ची और 4 लौंग लिए हैं, ये डाल देंगे। 1 फूल डालेंगे, 1 तेज पत्ता डालेंगे और 1 दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे। ये जब अच्छे से हो जाए इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हमने लहसुन प्याज का पेस्ट डाल दिया है। इसको भी अच्छे से भुनना है, लो मीडियम फ्लेम पर चलाते रहना है। उससे पहले देखिए छोले हो गए हमारे, इसका पानी निकाल दिया है। पानी फेंके ना, देखिए कितने बढ़िया छोले उबले हैं हमारे बिना सोडे के ही। और ये 1 कटोरी में मैंने आलू और कुछ छोले लेकर इसको मैश कर देंगे। इधर हमारा लहसुन प्याज का भुनने लगा है, धीरे धीरे करके ब्राउन हो जाएगा। ये ब्राउन हो गया है। अब इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर और जो मसाला पीसा था वो डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, 2 मिनट भुनेंगे। उसके बाद 1/2 कप पानी डालकर इसको अच्छे से भुनना है, 2-3 मिनट तक चलाते रहना है। अच्छे से जब ये भुन जाए पानी में, उसके बाद ये जो मैंने छोले और आलू का पेस्ट बनाया है वो डाल देंगे और इसको दबाते हुए अच्छे से मैश करते हुए इसको भी 5 से 7 मिनट तक चलाते रहना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, ये देखिए 5 से 7 मिनट तक हम इसको चलाएंगे ताकि मसाले और जो ये बनाए हमने आलू और छोले का, ये अच्छे से मिक्स हो जाए और बहुत ही टेस्टी सा हमारा मसाला बनकर तैयार हो। और उसके बाद हम इसमें छोले मिला देंगे। छोले को अच्छे से मिक्स करेंगे, 5 से 7 मिनट तक हमें इसे भी चलाना है और लो मीडियम फ्लेम पर तक इसको छोलों को और मसालों को एक जैसा होने देना है। उसके बाद ही पानी डालें। ये देखिए अब इसमें हम उबला हुआ जो पानी था ना हमारा कुकर में, वो पानी हम इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो अगर गाढ़ा लगे तो थोड़ा सा गर्म पानी ही डालें ताकि हमारा जो रस है वो एक जैसा रहे। 1/2 चम्मच सफ़ेद नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच यहाँ पर काला नमक डालेंगे। काले नमक से बहुत ही टेस्टी छोले बनेंगे। और 1 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे, इससे खट्टापन आएगा इसमें बहुत ही टेस्टी सा। और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए 10-15 मिनट उबालते हुए धनिया पत्ती डालेंगे। देखिए कितने टेस्टी से छोले बनकर तैयार हुए हैं। छोलों को और स्पेशल बनाने के लिए इस पर तड़का लगाएंगे। 1 चम्मच घी गर्म करेंगे, उसमें 2 हरी मिर्ची डालेंगे लंबे पीसेस करके और 1 लाल मिर्ची 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालना है
और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए छौंक लगा देंगे। इसको ढक कर रखेंगे ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आए छौंक की। और देखिए हमारे चटपटे से छोले बनकर तैयार हैं। आप चाहे तो बिना छौंक लगाए भी इन्हें खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी छोले बने हैं बिना टमाटर के, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फुल वॉच कीजिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग।